अरे झिपरे, हाँ एक काम कर यार, सामने बड़े मियाँ बैठे लेना, वहाँ से एक पैकेट सिगरेट लेके आ, जल्दी जा। अगर दुकान बंद कर दिया तो मिलेगी नहीं। अरे दादा, आप तो मेरा सिगरेट लाने का स्टाइल देख, यूं गया और यूं आया। अरे बात बहुत करता है यार तू। अरे चीजा रुको 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 रुको। अरे चीजा, मेरे को है ना सिगरेट दो सिगरेट। अबे ये क्या है बे? अरे ये जो है ना, ये मेरे बाल का स्टाइल है, समझे क्या? हाँ, इतना खराब स्टाइल। अबे जा बे, बाद में आना, अभी ना मेरा बन करने का टाइम हो गया, और बन करने के टाइम ना किसको कुछ देता होता नहीं मैं। निकल चल छोट। ये जैने, अरे वो चीजा सिगरेट नहीं दे रहे, वो बोल रहे दुकान बंद होने का टाइम है, सिगरेट उगरेट नहीं है। अबे तू बहुत बड़ी बात की दुकान है, बल्कि दुकान ही, तू तो बाता का गोदाम है। मुझे मालूम था तू खाली हाथ गया है, खाली हाथ आएगा। वैसे भी चीचा को बोलना कि तुम्हारे पास वैसे भी जिंदगी का टाइम कम है। अब तू जैने का स्टाइल देख, जैने कैसा सिगरेट लाता। अरे चीचा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, ऐसा लग रहा है मेरे सिर के दो टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हारे पास सिर के दर्द की गोली है क्या? अबे कैसा है ना, मैं दुकान बंद करने के टाइम किसको कुछ देता नहीं, मगर तेरा सर दुख रहा तो सर दर्द गोली दे रहा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया चीचा। अरे रहने दो गोली, ये लो सिगरेट के पैसे, कीप द चेंज। अबे इधर आ, ए इधर आ बे, अबे होटल का पच्चर समझा क्या, इधर आ जरा। माँ खराब कर दिया, गोली मांगा सिगरेट लेके भाग गया। ओ, क्या लिखा है इसमें? अरे ये तो तारा की डायरी है। वाह 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 वाह, जिसे मैं ढूंढती हूँ रातों के ख्यालों में, वो मिला मुझे अजनबी दिन के उजालों में। वाह 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 वाह। अरे मम्मी क्या कर रही हो? अरे तारा, कितनी अच्छी डायरी लिखी है, दो ना मुझे पढ़ने दो ना। नहीं। अरे वाह तारा, बता ना मुझे डायरी, आखिर मुझे पढ़ने देना। कौन है वो अजनबी जो तुझे दिन के उजाले में मिला, बता ना। फिलहाल तो कोई नहीं है, और जब कोई मिल जाएगा ना तो तुम्हें बता दूंगी। अच्छा मम्मी सुनो ना, वो मेरा फ्रेंड है ना मोटू, उसकी बर्थडे पार्टी है, क्या मैं उसमें जा सकती हूँ? देख तारा बेटा, ये पार्टी सार्टी ये सब मुझे नहीं समझ में आता, तो एक काम करना, तो अपने पापा से पूछ लेना, फिर तू जा सकती है। रानी, ओ रानी। देख तेरे पापा आ गए ना, अब तू खुद ही बात कर ले। हाँ, एक नंबर का बदतमीज पोरिया है वो। मेरे को भी तो बताओ कौन है वो बदतमीज पोरिया। अरे हाय पोरिया, काउंटर पे आया, सिगरेट की पैकेट ले लिया और 200 रुपया मेरे तरफ फेंक के बोला, बाकी के पैसे तुम रख लो। अबे होटल का वेटर होटल समझा क्या, जो मेरे को टिप दे रहा था वो। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम है ना दुकान का टेंशन है, दुकान में छोड़ के आया करो, घर पे मत लाया करो। अभी तुम घर में आए हो ना, सुकून से आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए मसालेदार चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? और चाय ना जरा अच्छी बना के लाना, कड़क मीठी, जरा भी फिक्की रही ना तो तेरी फसली में बुक्का मारूंगा, समझ ले। आओ बस करो, शर्म करो, अभी तुम मारोगे। हाँ, तुमको पूछेगा कौन फिर? यू इतना मुंह लटका दे बैठी, वो नागन ने कुछ बोली क्या? देखो डैडी, वो है ना मेरा दोस्त है ना मोटू, उसकी है ना बर्थडे पार्टी है, तो मैं भी उसमें जाना चाहती हूँ, मुझे ना आपकी परमिशन चाहिए। देख तारा बेटी, तेरी शादी ना मेरे दोस्त के पोरिया के साथ तय हो चुकी है, और तेरा ऐसे बर्थडे में जाना होना ठीक नहीं है। डैडी सिर्फ लास्ट टाइम, और वैसे भी आपको पता है ना, शादी के बाद लड़की कहीं भी नहीं जा सकती है। प्लीज डैडी जाने दो ना, प्लीज डैडी, प्लीज प्लीज प्लीज। चल ठीक है, तू ये पार्टी में जा सकती, मगर याद रहे मैंने ये इज्जत बहुत मेहनत से कमाई है, इसके ऊपर धब्बा ना लगने पाए। अरे मेरे बाप, पार्टी शुरू हो गई और अभी तक तारा ही नहीं। हाय हाय,
क्या तारा, इतनी देर कर दी पार्टी में आने के लिए? क्या करूं मोटू, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही थी इसलिए लेट हो गया यार। ऐसा मोटू? हाँ? ये गिटार कौन बजा रहा है? ये गिटार है ना मेरा दोस्त राज उर्फ जैना, वो बजा रहा है अच्छे अंदाज में। हाँ, एक नंबर बजाता है। चलो आओ अंदर आ। हेलो तारा, मेरा नाम है राज उर्फ जैना। मैंने तुझसे तेरा नाम पूछा? अरे नहीं पूछा, लेकिन मैंने तेरी मालूमात के लिए बता दिया ना। हाँ, और अब तू मेरा भी नाम पूछेगा? वैसे तेरा नाम तो मुझे मालूम है ना। वैसे तारा तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। देख जैना, मेरी शादी है ना तय हो चुकी है, वो भी मेरे डैडी के फ्रेंड के लड़के के साथ, समझा ना? वैसे तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रही हो? मैं यहाँ पे किसी का इंतजार नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रिक्शे का वेट कर रही थी, अभी तक कोई रिक्शा नहीं आई है यहाँ पे। अरे तो टेंशन गाय को लेने का, ये राज उर्फ जैने की गाड़ी है ना, चलो बैठो। कहाँ जाने का है? जुरासिक नगर। जुरासिक नगर? क्या वहाँ पर सारे डायनासोर रहते हैं? कोई भी इंसान नहीं रहता? क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बैठो। प्यार होता है दीवाना सनम। अच्छा, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी होगी तो उसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं तारा, छोटे छोटे गांव में तो बड़े बड़े बवाल होते रहते हैं ना, है ना? अब क्या हुआ? अरे तार, असल में बात क्या है ना कि मेरी गाड़ी हर 10 मिनट चलने के बाद उसको 15 मिनट का आराम लगता है। कितनी भंगार गाड़ी है तुम्हारी, एक तो मुझे भूख लगा है, ऊपर से गाड़ी बंद हो गई। अरे तो इसमें इतना टेंशन की क्या बात है? अरे तुमको भूख लगी है ना? ओ तारा तुझे मेरी कसम, बोल खाती क्या ये भजिया गरम? ओ तारा तुझे मेरी कसम, बोल खाती क्या ये भजिया गरम? या वड़ा पाओ फिर खा ले हम, और गाना कोई गा ले हम। कब से इसी वन वन में हूँ, चाय पिए कॉफी पिए, हाँ तू है मेरी मैं हूँ तेरा, पर भला कैसे जिए? छोड़ कर तू न जा ऐ मेरी दिल रुबा, अब गिरा मत जुदाई का बम। ओ तारा तुझे मेरी कसम, बोल खाती क्या ये भजिया गरम? या वड़ा पाओ फिर खा ले हम, और गाना कोई गा ले हम। देखा तो ये जाना सनम। लो तारा, आ गया तुम्हारा जुरासिक नगर। थैंक यू जैना। वैसे तारा, जब तुम्हारी शादी हो तो मुझे बुलाना जरूर। वैसे जैना, ये लड़की अगर तेरे से प्यार करती है तो एक बार पलट के देखेगी जरूर। प्यार होता है दीवाना सनम। ये हुई ना कोई बात। न जाने मेरे दिल को क्या, न जाने मेरे दिल को क्या। क्या बात है, आज मेरी बेटी बहुत खुश लग रही है, लगता है वो अजनबी मेरी बेटी को मिल गया। हाँ मम्मी, वो अजनबी है ना मुझे मिल चुका है। मम्मी वो है ना बर्थडे पार्टी में आया था, और उसका नाम है राज उर्फ जैना, वो है ना बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन क्या फायदा तारा बेटा, तेरे पापा ने तो तेरी शादी फिक्स कर दी है, अब क्या होगा?
अरे कारा, क्या बात है हा? लगता है तुम मेरी धुन पे दौड़ती हुई चली आ गई है ना। मेरे घर के बाहर आके गिटार क्यों बजा रहा है? तुझे पता है ना मेरी शादी फिक्स हो गई है। अरे तेरी शादी फिक्स हुई है मगर हुई तो नहीं ना। वैसे एक बात बता तारा, कि जिससे तेरी शादी होने वाली है वो करता क्या है, कहाँ पे रहता है वो, और नाम क्या है उसका? उसका नाम है चिंटू और वो शिकारी है। शिकारी देख कहीं तुझे ही ना अपना शिकार बना ले। अरे ऐसे शिकारी तो मैंने बहुत देखे हैं। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिकारी कौन है। मैं तेरे चिंटू का भी शिकार कर दूंगा। हे राम्या, खाना कैसा था रे बा? अरे वाह चिंटू, अरे एक नंबर खाना था यार। हाँ चल रे भाई, तुम लोगों ने जो खाए ना चिकन मटन मच्छी, पूरा बिल 1200 रुपये हुआ। 1200 रुपये दे। अरे ओ चचा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा। ऑनलाइन फाइनलाइन हमको समझता नहीं दादा, मेरे को रोकड़ा 1200 रुपये होना तो होना। अरे ऑनलाइन तो सभी लेते ना, अरे तुम भी ले लो ना ऑनलाइन। ओ भाई इतनी बड़ी होटल डाल के ऐसी नहीं बैठा मैं। देखो ऑनलाइन फॉनलाइन समझता नहीं, रोकड़ा पेमेंट होना वो ऑनलाइन पैसे आते उते नहीं। रोकड़ा दे रे भाई जल्दी। अरे मेरे को लगता ना ये चीजा ना पागल है। पागल दिख रहा मैं देखो। अरे जाने दो चीचा, जाने दो, क्या लफड़ा है ये तुम्हारा? अरे जाने दो, क्या लाया तूने भाई? 1200 रुपये का निगल लिया उन्होंने डच डच, हम बिल मांग रहा ऑनलाइन फोन लॉन्च कर रहे मेरे साथ। अरे बात पैसे की है ना चीचा, कोई बात नहीं, तुम बैठो आराम से, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अरे यार बात ये है, मेरे पास कैश पैसे नहीं है, इसलिए मैं इसको बोला ऑनलाइन पेमेंट करता। अरे बात बात तो खाली 1200 रुपये की है ना। तुम लोग इतना झगड़ा काहे को कर रहे हो? मैं दे देता हूँ, तुम लोग मुझे बाद में लौटा देना। ओके ये लो चीचा, है ना, चलो। अच्छा अरे भाई, वो चीचा का तूने बिल दे दिया ना, तो चीचा है ना बर्तन धोने लगा था हम दोनों को। हाँ यार तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो मेरा नाम राज है, उर्फ जैनिया। वैसे इस गांव में मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे वो क्या है ना, दरअसल मेरी शादी है और मेरी ससुराल है ना इधर ही रहती, चलो तुम भी चल रहे मिलने। अरे यार कमाल करते हो तुम भी, ऐसे मुँह के लोग को लोग है ना, मैयत में भी नहीं लेके जाते और तुम ससुराल लेके जा रहा है ना? ससुराल में तो मेरे जैसा आदमी जाना चाहिए। बोल तू भी चलेगा क्या? हेलो मुझे देखा तो ये जाना सा। खाओ 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 खाओ। बाबूजी वाली मुर्गी बहुत खाना खाती, उसको बेच डालो। अबे बावले तू भी तो बहुत खाना खाता, तेरा क्या करूं बे? खा। बाबूजी मेहमान आ गए। अरे वाह ये ले मुर्गियों को बंद कर, मैं मेहमानों को देखता। हाय पापा। हाय बेटा, जीते रहो। ये दोनों कौन है? अरे पापा ये मेरा दोस्त नम्या और मेरा दोस्त राज उर्फ जैनिया। हेलो बाबूजी। अबे तू तो मेरे को वही दिख रहा, उस दिन मेरी होटल में सिगरेट का पैकेट देके और पैसा फेंक के भागा था। अरे जाने दो ना मामू, क्या जरा सी बात का पतंगड़ बना रहे हुँ? अरे छोटे छोटे गांव में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। बेटा चिंटू पप्पा कैसे है? पप्पा ठीक है, शादी की तैयारी में लगे हुए। चलो ठीक है। बेटा कप्तान मेहमान को ले जाके उनका रूम बता दे और साफ सफाई कर देना है क्या? हाँ बाबा। चलो बेटा। सब्जी लाया हूँ। अब ये भाजी काटने का टेंशन, तू एक काम कर जल्दी से जाके कबूतर को दाना डाल। हाँ दाना। अरे माँ जी आप क्यों टेंशन लेती हैं सब्जी काटने का, लाइए मैं काट देता हूँ सब्जी। माँ यही है वो राज उर्फ जैनिया। अच्छा तो ये वही अजनबी है जो तुझे दिन के उजालों में मिल गया? अरे वाह तुम तो कितनी अच्छी सब्जी काट रहे हो। असल में बात ये है ना माँ जी, मेरे बाबा का खाना वल था
और खाना वल की सारी सब्जी मैं काटता था, प्याज भी मैं काटता था, कचुमर भी मैं बनाता था। मेरे से अच्छी सब्जी तो मेरे बाबा काटते थे। एक दिन मेरे बाबा ने ऐसी सब्जी काटे, उस दिन से मेरी माँ ने सब्जी काटना ही बंद कर दिया। ठीक है मेरे बेटे, तुम ही सब्जी काटो, मैं चलती हूँ। अरे यार तारा, ये मेरी मोहब्बत भरा गोभी का फूल कबूल करो। I love you तारा। I love you too जेनिया। I love you too हाँ। खाओ खाओ खाओ। वावा वावा। खाओ खाओ खाओ। अरे वाह मामू, क्या भारी खाना खिलाते हो मुर्गे को तुम। जवाब नहीं है तुम्हारा। खाओ खाओ। अच्छा खाना खिलाते हो, खाओ खाओ। एक बात बताओ मामू, ये शाल तुमने कहाँ से लिए थे? क्यों बे, तेरे को भी खरीदने का है क्या? अरे नहीं मामू, मैं तो शाल पहनता नहीं हूँ ना, मैं तो जैकेट पहनता हूँ। खाओ 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 खाओ। अरे तारा बेटा, क्या हुआ, तू उदास क्यों है? अच्छा मुझे एक बात बता, तेरा जेनिया के बारे में क्या ख्याल है? माँ, अब इन सब बातों का क्या फायदा है, अब तो मेरे शादी के कार्ड्स भी बढ़ चुके हैं। अरे फायदा है, मैं जानती हूँ जेनिया तेरे से बहुत प्यार करता है और वो तुझे बहुत खुश रखेगा। ये बात मुझे भी पता है। अरे कप्तान, हाँ माजी, जल्दी यहाँ फटाफट जेनिया को यहाँ भेज। हाँ माजी, अभी भेजता है मैं। माजी तुमने मुझे बुलाया? जेनिया मैं जानती हूँ तुम और तारा है ना एक दूसरे को बहुत चाहते हो, और इस बॉक्स में ना बहुत सारे गहने, मैं ये चाहती हूँ कि तुम तारा को लेके ना दूर चले जाओ और शादी कर लो। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तारा को सबकी मर्जी से लेके जाऊँगा और सबके सामने लेके जाऊँगा, मैं किसी के बाप का नक्टा नहीं रहूँगा माँ जी। ये लो, बात समझने की कोशिश करो, डैडी ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। इससे बेहतर है कि हम ये घर छोड़ के जल्द से जल्द भाग जाते हैं। तारा, मैंने मेरी बेटी को भड़का रहा था, अब भी निकल मेरे घर में से। ओह नो, ये पकड़ तेरा बैग। अरे मामू, मैंने तुम्हारी इज्जत से कोई खिलवाड़ नहीं करा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ किया है तो मुझे माफ कर देना। अबे बारा बाता मत कर, निकल यहाँ से। चल निकल, दोबारा दिखना मत मेरी चौखट पे। निकल यहाँ से। डैडी मुझे जेनिया के साथ जाने दीजिए। तारा, बाबूजी मुझे उसके साथ चले जाने दीजिए, मैं नहीं रह पाऊंगी बाबूजी जेनिया के बगैर। बाबूजी मुझे जाने दीजिए। जेनिया, जा तारा जा, जी ले तेरी जिंदगी। तो हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है, जेनिया दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगा। सो गाइस, हमारा चैनल है आरएस एंटरटेनमेंट, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।